गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मैंने वो एंड सोल्ड पूरा स्टेटमेंट। मैंने कहा मैंने वो पूरा फॉर्मेट उठाया सी, मैंने वो पूरा फॉर्मेट उठाया और उस पूरे फॉर्मेट को क्या कर दिया आपको, वो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, जी जी सर जी अब मैंने जब पेस्ट किया तो अब ये देखो, अब ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 5.1 जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, उसमें वो कह रहा है कि अल हादी इंडस्ट्रीज परचेजेज रॉ मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर। और ये देखो असीब यार, उधर से मैं देखता जा रहा हूँ, इधर इनपुट करता जा रहा हूँ। मैंने क्या किया कि जी सर वहां से चैंपियन मैंने देखा और ये पुट कर दिया परचेजेस फॉर्मेट के अंदर। अच्छा, उसके बाद असीब बेटे आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर, तो मैंने लेबर में लेबर के सामने लिख दिया ये देखो, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा मैं क्या कहते हैं, वो कहता है फैक्ट्री ओवर हेड इज 75% ऑफ लेबर, तो लेबर का 75% हो तो FOH बन गया, राइट। अच्छा उसके बाद क्या होगा चैम्प, जी उसके बाद क्या होगा, ये जब सारा कुछ हम कर लेंगे तो इसके करने के बाद हम यहाँ पे असी ओपन 1 जनवरी का मटेरियल, सर जो 1 जनवरी का मटेरियल होता है वो ओपनिंग मटेरियल होता है, तो उसको मैंने यहाँ डाल दिया जी मटेरियल के जी सामने। जी जी उसके बाद बेटा नेक्स्ट, सर नेक्स्ट है क्लोजिंग मटेरियल, तो वो बेटे मैंने यहाँ डाल दिया। उसके बाद 22,000 नेक्स्ट जो है वो मैं आपको, बल्कि एक मिनट बेटा, ये 22,000 मैंने इधर डाल दिया। अच्छा राइट, नेक्स्ट ये बेटा एंडिंग मटेरियल है। उसके बाद ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मैंने यहाँ, और उसके बाद बेटा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ, उसके बाद बेटे ओपनिंग फिनिश गुड्स यहाँ, एंडिंग फिनिश गुड्स, मैं वहां वहां से देख के लिखता जा रहा हूँ, वहां वहां से सोएब देख के, सॉरी असीब देख के लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। अब चैंप ये हमारे पास रिटर्न, सर जी नहीं जी है तो सर जीरो लिखते, सर डिस्काउंट नहीं है तो जीरो लिखते, बेटे इसको सॉल्व करो ये इधर आ जाएगा, इसमें ये ऐड करो तो ये हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आपस में ऐड हुए, इसमें से ये माइनस हुआ मटेरियल यूज, इन तीनों को ऐड किया मटेरियल लेबर FOH को, ओपनिंग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसमें असीब ये ऐड टू अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ऊपर वाला बेटे -18,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 30, ऐड तो अवेलेबल फॉर सेल 25, माइनस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। असीब आप अपने कमेंट्स और मुझे बताओ कि कहीं पे आपको प्रॉब्लम आई हो। सर, FH कैसे निकाला आपने 75%? इसका बेटा ये सेवेंटी फाइव देखो, उसने परसेंट हमें निकाला यहाँ है। बताया है 75% लो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेबर का मतलब होता है लेबर, ये देखो बेटा ये 150, तो इसकी जगह क्या लिख लो 150, 1,50,000 का 75% लो तो ये बनेगा। डिड यू गेट जी माई जी पॉइंट जी असीब? यस सर आई गॉट इट। दैट्स ग्रेट, सर कीप इस ऑन। मी क्या होगा इसका इनकर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती? हाँ, डायरेक्ट लेबर, पहले मुझे बताओ मटेरियल कॉस्ट क्या होती है। मटेरियल कॉस्ट तो वो जो गवर्नमेंट पे लग रही कॉस्ट, ओके, हमने मटेरियल, जो भी मटेरियल खरीदा जैसे ऊंट खरीदा। राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो बेटे जो वहां पे लेबर काम कर रही होती है ना, जिन जो काम करते हैं, चेयर्स बनाते हैं, कुर्सियां बनाते हैं फैक्ट्री के अंदर, जो मजदूर काम करते हैं, उनको जी जो जी पैसे देते हैं ना, उसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर। उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर कहते डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट हैं। और मटेरियल और लेबर लेबर के अलावा फैक्ट्री में जितने खर्चे होंगे उनको FOH कहते हैं। FOH। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर सेल। चलो इसकी जी बेटे सर प्रैक्टिस करनी है, मैं एक क्वेश्चन आपको वीडियो और क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपने करना है, और अभी मैं आपका एडवांस का लेक्चर बना लूं तो फिर आपको मैं भेजता हूँ नया लिंक, हम एडवांस पढ़ते हैं। जी सर।